हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। चलिए आज देखते हैं साइंस का कुछ क्वेश्चन। जल्दी से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर दीजिए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने, अरस्तु ने, या एडविन ने, एडविन हार्वल ने, या गैलीलियो, गैलीली ने? किसने सबसे पहले प्रूफ किया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए, 77 का। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स ने बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिक्स ने सबसे पहले सिद्ध किया था। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या जल का क्वथनांक घट जाता है, या खाना अधिक ऊष्मा नहीं लेता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्यों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये जो साइंस का क्वेश्चन है, ये RRB और ग्रुप डी, लोको पायलट, साथ ही ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो है साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, और साइंस का क्वेश्चन जो है आपको बनेगा ही बनेगा जब आप रिपीट कर लेंगे तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? जल है, पारा है, या एल्कोहल है, या ईथर है? उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? जल, पारा, एल्कोहल या ईथर? तो उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पारा। उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? समुद्र तल तट पर, या समुद्र की गहराई में, या शिमला में, या माउंट एवरेस्ट पर? तो समुद्र की गहराई में या फिर माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? चावल पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल पकाने में
अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस या शैवाल या कवक या जीवाणु? तो लाल सागर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल के कारण जो होता है लाल सागर लाल रंग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एस वाक्समैन ने, या रॉबर्ट कोच ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या पी एहरी लीच ने? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पी एहरी लीच ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट कोच ने, या एस वाक्समैन ने? किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रैपलिसिया, या कैक्टस, या इनमें से कोई नहीं? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, या रैपलिसिया, या कैक्टस? कौन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प फूल? ऑप्शन नंबर बी, रैपलिसिया। रैपलिसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। रैपलिसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, पत्ती, या तना, या जड़? जीवन चक्र से के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है, पत्ती है, या तना है, या जड़ है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, या CO2 को ले जाना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, या CO2 को ले जाना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, या इनमें से कोई नहीं है? कौन है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? क्या करता है सफ़ेद रक्त कण? ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है सफ़ेद रक्त कोशिका। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफ्रेटस को, या हैक्सले को, या लेमार्क को, या अरस्तु को? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफ्रेटस को, या फिर हैक्सले को, या लेमार्क को, या अरस्तु को? तो बायोलॉजी के जन्मदाता जो है अरस्तु को जाना जाता है, बायोलॉजी का जन्मदाता, जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, प्याज, या मूंगफली?
आंसर दीजिए। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू का, गाजर का, या प्याज का, या मूंगफली का? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। मूंगफली का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, या केंद्रिका, या कोशिका भित्ति, या ग्लाजिकाए? कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन पदार्थ प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, या कोशिका भित्ति, या गल्जीकाय? गल्जीकाय आंसर दीजिए। 88 का ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कोशिका का रूप प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट, या टोनोप्लास्ट? किसके कारण पत्तियों को हरे रंग प्राप्त होता है? क्रोमोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट, या फिर टोनोप्लास्ट? 89 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? रांची में, कटक में, जमशेदपुर में, या नागपुर में? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? कीवी, पैगीवन, शुतुरमुर्ग, या फिर बाज? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कौन सा सांप घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, या करैत, या फिर स्लेड वाइपर? सॉस स्लेड वाइपर। तो कौन सा सांप घोंसला बनाने वाला एकमात्र है? चेन वाइपर, या किंग कोबरा, या करैत, या स्लेड वाइपर? सॉस स्लेड वाइपर कौन सा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप? जो है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है एकमात्र सांप है जो घोंसला अपना खुद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो क्रिस्टेशम किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेशस बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का, या मोर का? तो पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, या मेंढक का, या मनुष्य का, या फिर मोर का? पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। पावो क्रिस्टेशस मोर का वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेशस मोर का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का जो है होमोसेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई प्राणी है? हाथी, ऊंट, नील हेल, या फिर मनुष्य?
सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? कौन है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी? हाथी, ऊंट, नीलहेर या मनुष्य? ऑप्शन नंबर टाइप कीजिए, नीलहेर। नीलहेर जो है सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी प्राणी है, नीलहेर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी, हैमिंग बर्ड या शुतुरमुर्ग या पैगीबन? तो सबसे छोटा पक्षी कौन है? कीवी है या हैमिंग बर्ड है या शुतुरमुर्ग है या पैगीबन? पैगीबन है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? जल को बहने से या संपीड़ित गैसों को छोड़ने से या रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से? कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? जल के बहने से या संपीड़ित गैस को छोड़ने से या रसोई गैस को गैस से या फिर ठोस के परी पिघलाने से, और ठोस को पिघलाने से। आंसर दीजिए 96, क्वेश्चन नंबर 96 का। इसका जो हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का ठंडा होना होता है। कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य या अपगामी या विद्युत चुंबकीय? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? विद्युत चुंबकीय क्या होता है? ध्वनि तरंग का प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होता है तरंगे। ध्वनि तरंगे की प्राकृति जो होती है अनुदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का परिकीर्णन? प्रकाश का क्या कहलाता है? चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने का। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट? क्या होता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुख के समीप क्यों रखते हैं? कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा इंगित होगी, या फिर ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव घट जाता है, या फिर ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या फिर इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता? क्या होता है चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह के समीप रखने से? क्या होता उस स्थिति में जो ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा को इंगित होगी, क्योंकि मुंह के समीप रखने से जो है डायरेक्शन ध्वनि का मोड़ देता है। जिस डायरेक्शन में मुंह का और हथेली दिखाएगा उसी डायरेक्शन में ध्वनि दिशा तय करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है।
उस स्थिति में जो ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा को इंगित होती है। चलिए आज का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी लाइव आऊँगा आपको पता चल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, ऑनलाइन स्टडी लाइव को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।